नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्टरेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया और केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनके प्रस्तावक के रूप में सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल एवं भाजपा जिलाध्यक्ष अनीता त्रिपाठी मौजूद रही। आप लोगों को बता दें कि 251 सिराथू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में केशव प्रसाद मौर्य ने नामांकन दाखिल कर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस बार भाजपा पार्टी के खाते में उत्तर प्रदेश में 300 सीटों से भी ज्यादा लगाकर जीत हासिल करेंगे। आए सुने क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की रिपोर्ट। रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिराथू विधानसभा सहित कौशाम्बी की तीनों विधानसभा गठबंधन के साथ और प्रदेश में 300 से अधिक सीटें गठबंधन के साथ जीतेंगे।